नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव नीलम डेंटल केयर की ओर से आपको ये प्रेजेंटेशन शो करना चाह रहा हूँ, जिसमें हम डेंटिस्ट्री को किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे इस महामारी के ख़त्म होते होते भी, या जब हमारा लॉकडाउन शुरू ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम कैसे प्रैक्टिस को अपने स्टार्ट करेंगे, ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। तो ये इसका मैंने टॉपिक वी कैन डू इट रखा है, बिकॉज इसमें हम दोनों का ही पार्टिसिपेशन जरूरी है, हमारा एज अ डॉक्टर और आपका एज अ पेशेंट, सो दैट हम इस इन्फेक्शन को या संक्रमण को फैलने से रोक सकें सोसाइटी। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट, कि हमें आपस में क्या अपेक्षाएं हैं, हम इस चीज पे बात करेंगे मुख्यतः। एज अ डॉक्टर हम क्या अपेक्षा करते हैं आपसे, और एज अ पेशेंट आप हमसे क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं। आपकी अपेक्षाओं की पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है किसी भी क्लिनिक में, तो क्लिनिक में साफ सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और पोस्ट कोविड फेज में इस पे अधिक ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो क्लिनिकल कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट सर्फेसिस, मतलब जो सर्फेसिस के कॉन्टैक्ट में हम आएंगे या जिनमें नहीं भी आएंगे हम, तो उन सबको डिसइंफेक्ट करना जरूरी है, और जहां पर हम बैरियर्स प्लेस कर सकते हैं जो टाइमली रिमूव कर पाए वो हम बैरियर्स प्लेस करेंगे। ऐसा आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए किया जाएगा, और स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज रहेगी कि हमें कैसे पता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। उसके लिए सरकार की तरफ से, WHO की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कुछ गाइडलाइंस बनाई गई जो मुख्यतः सभी डेंटिस्ट को फॉलो करनी पड़ेगी अपने अपने क्लिनिक्स में, और इसके लिए हमें कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट कोर्सेज थे जिससे हम अपने आप को अपडेट रख सकें, बिल्कुल जो चीज़ें चल रही हैं उसको अपनी जानकारी में रख सकें और उसके हिसाब से काम कर सकें। तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है सारे ही क्लिनिक्स में, सारे ही डॉक्टर्स को जानना। तो इसके लिए हम बेस्ट जो पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम फॉलो करेंगे। तो फिलहाल तो जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स या ट्रेनिंग्स हमें मिली हैं उनमें एक IPC फॉर कोविड है, बेसिक्स ऑफ कोविड है, सारी इज द सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी डिज़ाइन है, मतलब हम क्लिनिक को कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसी क्लिनिक को हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं आज के संदर्भ में काम करने के लिए। लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन टेस्टिंग के लिए एक सर्टिफिकेट है जो हम आपको दिखाना भी चाहेंगे अभी, ये IPC का सर्टिफिकेट, और बेसिक्स ऑफ कोविड का MHFW की तरफ से सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज डिज़ाइन का सर्टिफिकेट है, और दूसरा ये आपका MHFW की तरफ से लेबोरेटरी सैंपल कलेक्शन एंड टेस्टिंग का सर्टिफिकेट। तो ये अपने आप को अपडेट रखने के लिए ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे कि आप अगर क्लिनिक में आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लिनिक में टाइम ना देना पड़े वेटिंग एरिया, क्योंकि हम क्लिनिक में जितना कम से कम पेशेंट का क्रॉस ओवर रखेंगे उतने कम चांसेस होंगे इन्फेक्शन के फैलने के। तो क्रॉस ओवर बचाने के लिए हम पेशेंट्स को एक टाइम पे एक ही पेशेंट प्रेफर करेंगे रखने के लिए। तो उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट अपना ऐसा शेड्यूल करना पड़ेगा जिसमें अपने अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को एनहांस करना पड़ेगा ताकि दो पेशेंट्स आपस में ना टकराएं। इसके लिए हम क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसी में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो हमारे वेटिंग एरिया में लिटरली कोई पेशेंट नहीं रहेगा, तो हम अपने आप जो संक्रमण के चांसेस हैं वो मिनिमाइज कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं आपको हम क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आज इस संदर्भ में बहुत चर्चाएं हो रही हैं जिसमें डेंटिस्ट्री में एरोसोल प्रोडक्शन की बहुत बातें हो रही हैं और उससे इन्फेक्शन के फैलने की बातें हो रही है। सही है ये चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एरोसोल प्रोडक्शन होता है, बट हर एक एरोसोल प्रोडक्शन का मैनेजमेंट भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, और कई प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिसमें हम एरोसोल प्रोडक्शन के बिना भी काम कर सकते हैं। ऑल्टरनेट टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं जो हमें पता है, हम उसको कर सकते हैं। तो अब
हर एक पेशेंट के लिए हमें ट्रीटमेंट को कस्टमाइज करना पड़ेगा और प्रेफरेंस रहेगी इमरजेंसी कंडीशंस के लिए अभी भी कुछ समय तक। जी, हम इलेक्टिव प्रोसीजर्स को थोड़ा सा पोस्टपोन करेंगे जिसमें एरोसोल की जरूरत रहेगी ही रहेगी और जिसमें टाइम लगना रहेगा हमें उस प्रोसीजर में। तो फिलहाल तो हम ऑप्टिमाइज्ड केयर सभी को प्रोवाइड करेंगे। अब जो हम पेशेंट से एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं कि वो हमेशा ही एक अपॉइंटमेंट लेकर के आए पहले से, या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट ले, अपना नाम, एज, सेक्स या और अपना आरोग्य सेतु का स्टेटस एक बार उसमें हमें वेरीफाई करा लें जिससे कि हम अकॉर्डिंगली आपको अपॉइंटमेंट दें। क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हमें कोमॉर्बिड स्टेट में ट्रीट करना है, एल्डरली पेशेंट्स को ट्रीट करना है, या जिनमें ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें एरोसोल जनरेशन होना है, तो ऐसे पेशेंट्स को हमें मैनेज करने में ट्रीटमेंट टाइमिंग और अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को ध्यान में रख करके करना पड़ेगा। पहले हम आपकी कन्वीनियंस को प्राइम इम्पोर्टेंस देते थे कि आपके पास जब समय हो तब आप आकर के हमारे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, बट अभी पोस्ट कोविड फेज में हमें कुछ चीजों को बहुत ध्यान में रख करके अपॉइंटमेंट स्लॉट आपका तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें हम आपका पूरा पूरा सहयोग चाहते हैं। दूसरी चीज रहेगी कि अगर अपॉइंटमेंट लिया है आपने तो वो अप्रोक्सीमेटली एक घंटा आपके लिए ही रहेगा, आपके लिए रहेगा और क्लिनिक की साफ सफाई के लिए रहेगा। तो ये अपेक्षित हमेशा रहेगा कि आप अपॉइंटमेंट के लिए लेट ना हो। फिर जब आप क्लिनिक पे आते हैं तो आपका एक हिस्ट्री, इवन क्लिनिक में आने से पहले भी हम फोन पे अगर बात कर सकते हैं, तो हिस्ट्री आपका ट्रैवल हिस्ट्री या इन्फेक्शन या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हमें प्रोवाइड की जा सकती है, जो आपको ट्रूली प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब उसमें झूठ बोलने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, बट वो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा इन अपॉइंटमेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग और आपकी सेहत के लिए। तो इसमें एक कोविड असेसमेंट कम डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा जो हम चाहेंगे कि आप पहले से ऑनलाइन उसको फिल कर दें और उसको सबमिट करें एक ईमेल आईडी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, उस पर सबमिट करें। आपकी टेम्परेचर स्क्रीनिंग हम क्लिनिक में एंट्रेंस के समय लेना चाहेंगे और जो प्रोसीजर्स होंगे उसमें एक कंसेंट साइन कराने होगा जिसमें कि आपको पहले भी वर्बल कंसेंट रहता था जिसमें आपसे सहमति लेकर के सारे प्रोसीजर्स होते थे, बट अब पोस्ट कोविड फेज में किसी का भी कोविड स्टेटस का पता नहीं रहता है, तो अगर हम सबको कोविड टेस्टिंग के लिए भेजेंगे तो वो भी बहुत फीजिबल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए कंसेंट फॉर्म की सिग्नेचर की जरूरत रहती है जिसमें आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपने किसी के कॉन्टैक्ट में आप नहीं आए हैं, जो आपने हिस्ट्री में बताया वो चीज़ फॉर्म में लिखी रहेगी और ये डिक्लेरेशन रहेगा कि आपको वो बीमारी जो कोविड इन्फेक्शन की वजह से है उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, ये डिक्लेरेशन रहेगा। तो इस चीज को आप प्रेफरेबली ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन भी इसका प्रोविजन ही रखें। सारे ही विजिटर्स से ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि एट द टाइम ऑफ विजिट जब वो क्लिनिक पे आ रहे हैं या किसी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस, 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके रखें आपस में पब्लिक प्लेस में, और क्लिनिक में जब आए ऑपरेटरी में सिर्फ पेशेंट को ही अलाउ किया जाएगा, अटेंडेंट्स तो ऑपरेटरी में अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अभी कुछ समय, आने वाले कुछ समय तक अपने चेहरे पर नाक और मुंह को ढक कर रखें किसी भी प्रकार के मास्क से जो सरकार समय समय पर बताती रहती है उस तरह से। इससे दोनों ही लोगों को बेनिफिट रहेगा, पेशेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी। अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन को आपको फॉलो करना होगा, कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी जैसे कि कभी छींक आ रही है या हमें खांसी आती है तो मुंह पे और नाक पे टिश्यू, या फिर अगर टिश्यू नहीं है तो अपनी कोहनी से मुंह और नाक को ढक करके रखें जिससे कि कोहनी के इस पार्ट पर हमारा जो इन्फेक्टेड मटेरियल है वो जाएगा, हमारा कपड़ा घुल जाएगा, और टिश्यू से अगर हम कर रहे हैं तो वो टिश्यू सीधा हम डस्टबिन में जाकर फेंक देंगे जो कि कवर्ड डस्टबिन हो, लिड वाला डस्टबिन।
तो इससे इन्फेक्शन फिर हम कंट्रोल कर लेते हैं फैलने से। हैंड हाइजीन हमें प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेगी और फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी हमें हैंड हाइजीन रहता है कि हमें हाथ की सफाई कैसे रख रहे हैं हम। तो जैसे कि सरकार की तरफ से बहुत ही अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए हैं और सबको पता है कि हमें 20-20 सेकेंड तक हाथों को धोना है। अब धोने के लिए हमारे हाथों को गीला होना जरूरी है, साबुन को अच्छी तरह से हर तरफ लगना जरूरी है, पूरे हाथ में अच्छे से साबुन लगना चाहिए। 20 सेकंड का वही मतलब है, उस समय पानी आपका बंद होना चाहिए, नल से गिरता हुआ पानी 20 सेकंड तक अच्छे से रगड़ने के बाद आप उसको रिंस करेंगे पानी में और फिर सुखा लेंगे। तो इससे भी काफी हद तक इन्फेक्शन फैलने में रोकथाम हो जाती है। हम अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि हम वर्क जो हम काम करना चाहते हैं वो भी सेफली करना चाहते हैं और खुद भी सेफ रहना चाहते हैं बीमारी से। तो इसमें आपकी सहभागिता की बहुत बहुत जरूरत है। इन द एंड हम कंक्लूड करने के साथ एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर हम दुश्मन को जानते हैं तो हम उस लड़ाई को आधा जीत चुके हैं, क्योंकि इस कोरोना नामक वायरस को अभी तक हम पूरी तरह से, इसकी डिजीज प्रोग्रेस कैसे, इसकी बीमारी बढ़ती है कैसे कैसे, वो नहीं जान पाए हैं। इसलिए अभी काफी सावधानियों की जरूरत है हमें, बट फिर भी हम जितना भी पता है उससे भी हम काफी हद तक इसे रोक सकते हैं फैलने से। धन्यवाद।